गाइस, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दारू के शौकीन। आज हम आपके लिए एक और बियर लेके आए हैं जिसका नाम है सिनेमैटिक्स में देख लिया होगा कि आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्यूबर्ग, एक स्ट्रॉन्ग बियर, प्रीमियम बियर, बहुत ही ज्यादा फेमस ब्रांड जो मैंने इतनी बार पिया है मुझे याद भी नहीं। फ्रेंड्स की मैरिज में, पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, गेट टुगेदर में, मूड खराब है तब पी ली, मतलब बहुत बार पी हुई है। खैर उस बात को छोड़ते हैं, मेन बियर पे आते हैं। ये कंपनी 1873 में फाउंडेड की गई। कंपनी को फाउंडर जो, मतलब कंपनी जो ब्रिवरी है वो है दानिश ब्रिवरी। ट्यूबर्ग ब्रिवरी की को फाउंडर, मतलब सब्सिडरी दानिश ब्रिवरी, और जो इसके ओनर हैं वो हैं कार्लसबर्ग ग्रुप, मतलब कार्लसबर्ग ग्रुप को बिलोंग करती है ये ट्यूबर्ग, और जो इसके ओनर है उसका नाम है कार्लसबर्ग फ्रेडरिक टेटगर, मतलब नाम थोड़ा यूनिक है कार्लसबर्ग फ्रेडरिक शॉर्ट में। प्राइस रेंज की बात करें तो ये 650 ml की बोतल है 110 की दिल्ली में, बाकी सिटीज में थोड़ा अलग हो सकता है। सीधा इसके अल्कोहल परसेंटेज की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग बियर है तो आप जज कर सकते हैं इसको। ये 6-8% अल्कोहल की है, मतलब 8% से अबव अल्कोहल नहीं है ऐसा लेबलिंग की गई है, बट इसमें एक्स्ट्रा अल्कोहल है। इस बियर के अंदर जो इन्ग्रीडियंट है, जो स्पेशल पार्ट है उसके अंदर, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ। इसमें जो मॉल्ट्स का यूज किया गया वो चार तरह के मॉल्ट्स हैं। सबसे पहला मुश्लर मॉल्ट, दूसरा पिल्शर मॉल्ट, तीसरा कैरमल मॉल्ट, और जो चौथा है वो है कलर मॉल्ट, मतलब बियर को अच्छा कलर देने के लिए, हल्का सा रेडिश कलर देने के लिए कलर मॉल्ट का यूज किया गया, जो कि एक इंटरेस्टिंग बात है बियर के अंदर। खैर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे बाकी बियर्स में होते हैं वो हैं मॉल्टेड बार्ले, राइस, मेज एक्सट्रैक्ट, नॉट मेज, मेज एक्सट्रैक्ट, कॉर्न सिरप, हॉप्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, बियर को अच्छा कार्बोनेशन इफेक्ट देने के लिए, बियर को हेल्दी बनाने के लिए, यीस्ट, एथिल अल्कोहल और थोड़ा सा नेचुरल कलर, मतलब जो इसके अंदर कलर मॉल्ट का यूज किया गया उसके साथ साथ नेचुरल कलर भी डाले गए हैं बियर को और अच्छा कलर देने के लिए। एक काम करते हैं, ये पकाऊ बात इंग्रेडिएंट्स वाली थोड़ी बहुत हुई, फटाफट गिलास रखते हैं और इस बोतल को ओपन करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि ट्यूबर्ग के साथ एक ओपनर आता है, इजी ओपनर, उन लोगों को मैं दिखा देता हूं, इसको ओपन करते हैं। बहुत ही अच्छा ओपनर होता है इसका, ये साउंड इसी का था। आप बियर में देख सकते हैं बबल्स कितने अच्छे तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो CO2 लेवल का यूज किया गया बहुत अच्छा है, कार्बोनेशन बहुत अच्छा है इसका, बियर का अच्छी खासी चिल्ड बियर है। मैं इसे ग्लास में पोर करता हूँ बहुत ही यूनिक तरीके से, जैसे मैं हर वीडियो में करता हूँ बियर को लेके, क्योंकि मुझे इसका फ्लो चेक करना है। पी मैंने बहुत बार है पर रिव्यू नहीं किया, अच्छी खासी मैंने ग्लास में डाल दी है। फ्रोथ यूनिक लेवल पे आया है, मतलब बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का फ्रोथ आया है इसका, और फोमी है काफ़ी, आप देखिए अच्छा खासा फोम है ग्लास में। बात करते हैं बियर के कलर की, इसमें हल्का सा रेडिश कलर है इसका, वो कलर मॉल्ट की वजह से है, और थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेवर जो कलर डाला है इसमें, कलर एक्स्ट्रा कलर उसकी वजह से है। बियर का फ्रूट डिजोल्व होना स्टार्ट हो गया है, मैं इसका वेट नहीं करूंगा कि बियर का फ्रूट डिजोल्व हो उसके बाद मैं आपको रिव्यू दूं, मैं फटाफट इसको नोज करना चाहता हूं कि फोम जो इसका फ्रूट है उसके साथ इसका अरोमा कैसा आता है, दबता है कि नहीं। बस राइस का हल्का हल्का जो स्वीटी इफेक्ट आता है उसके एरोमेटिक, वो थोड़ा सा फील हो रहा है, स्टार्ची इफेक्ट, होप्स की कड़वाहट वाली एरोमा जो आता है उसका, स्मेल जो आती है वो हल्की सी आ रही है, स्मेल बोलना ठीक नहीं रहेगा, मतलब होप्स का एरोमा फील हो रहा है हल्का हल्का सा।
नोवो स्पेस के नोट्स कुछ ज्यादा हैवी नहीं है क्योंकि फ्रोथ इसमें अच्छा खासा अभी भी बना हुआ है बट डिजोल्व हो चुका है काफी। एक काम करते हैं, इसका सिप लेते हैं एक अच्छा सा सिप, फिर बताते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बियर है जिसको ग्लास में डाल दो ना तो मन करता है थोड़ा सा पहले पीते हैं ना, उसके बाद बात करते हैं। मैं पहले भी इसलिए मैं पहले पी लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। यादें ताजा हो गई इस बियर को पीने के बाद, बहुत यादें जुड़ी हैं इस बियर के साथ। बहुत पी है ये बियर मैंने, पर कभी नहीं सोचा था कि रिव्यू करूंगा इसका, आज कर रहा हूं। एक स्ट्रॉन्ग बियर है, स्ट्रॉन्ग एरोमा है इसका, कोई भी फ्लेवर या कोई भी इसका इंग्रेडिएंट टेस्ट पे हैवी नहीं होता, बट सारे अरोमा फील होते हैं, हैवी कोई भी नहीं होता। मतलब अगर मैं टेस्ट की बात करूँ इंग्रेडिएंट में कौन सा टेस्ट मुझे फील हो रहा है, तो सबसे ज्यादा फील हो रहा है मुझे हल्का सा बिटरी इफेक्ट, थोड़ा सा। उसके बाद कार्बोनेशन फील होता है जो कि टेस्ट नहीं है बट कार्बोनेशन इफेक्ट फील होता है। मॉल्ट्स का फ्लेवर फील हो रहा है जो कि कड़वाहट में नहीं है, स्वीटी इफेक्ट है। मे बी शुगर इसमें थोड़ी डली है इस वजह से, जो कि इंग्रेडिएंट्स में दिखाते नहीं है बट इसमें स्वीट स्वीटनेस होती है, जो कि सिर्फ एरोमेटिक सिर्फ स्वीटनेस होती है, वो अच्छी फील होती है इसके अंदर। एक छोटा सा सिप और लेके देखते हैं। इसमें जो स्वीटनेस है वो कॉर्न्स की वजह से है, क्योंकि इसमें कॉर्न सिर्फ यूज किया गया है। हॉप्स की कड़वाहट है जो कि स्वीटनेस के बाद फील होती है। राइस की स्वीटनेस है, स्टार्च वाला थोड़ा स्टिकी स्टिकी इफेक्ट जो कि टंग पे फील होता है, लिप्स पे फील होता है। मेरी वैसे भी पसंदीदा बियर है ये, मतलब गर्मियों में पीने वाली बियर टूबर्ग उस लिस्ट में शामिल है। ये इजी टू कैच, इजी टू ड्रिंक, ऐसी बियर है जो कि आप गर्मियों में बेशुमार पी सकते हैं। एल्कोहल परसेंटेज इसमें अच्छा खासा है, 5-6 से 8% कंपनी लेवल पे रिकमेंड करती है, लेवल पे गारंटीड करती है, बट इसमें एक्स्ट्रा एल्कोहल है जो कि अच्छा असर देती है। रिफ्रेशमेंट के मामले में तो बियर एवन है, रिफ्रेशिंग टेस्ट है इसका, कड़वाहट आपको बिल्कुल फील नहीं होगी, जो इसकी स्वीटनेस है वो कड़वाहट को दबा देती है। मेरे हिसाब से तो ये बियर बेस्ट है खास तौर पे गर्मियों के लिए। बियर का कलर भी बहुत अच्छा है, बियर की लेबलिंग भी बहुत अच्छी है, जो पैकेजिंग इसकी है वो बहुत अच्छी है, ग्रीन कलर की बॉटल है। बियर के अंदर एक अच्छी बात यही होती है, जो उसकी बॉटल होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बियर का टेस्ट कैसे होने वाला है। अगर लाइट कलर के बियर का बॉटल लाइट कलर है तो बियर का टेस्ट चेंज हो जाएगा, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, बट इसका ग्रीन कलर है जिसकी वजह से बियर का टेस्ट चेंज नहीं होता है। जैसा कंपनी बनाती है वैसा ही टेस्ट रहता है, कोई भी टेस्ट खराब नहीं होता। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में किसी नई बियर या किसी नई लिक्योर के साथ। जब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार या गुस्सा दिखाइए।